अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस कौन से जो जॉब्स हैं जर्मनी में जिनके जो पेइंग रेट्स हैं पर आवर वो हाई हैं और किनके कम हैं। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ वन बाई वन। सो जब आप जर्मनी आ जाते हैं तब आप अपने जॉब वगैरह फाइंड आउट करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वो जॉब मिले जिसमें जो पे रेट है पर आवर वो काफ़ी अच्छा हो। तो इसमें यह है कि जब आप यहाँ आ जाएंगे पहली बात यह कि आपको जो जॉब मिल जाए वो कर लें स्टार्ट करने के लिए, उसके साथ आप अपनी टेक्निकल फील्ड में अप्लाई करते रहें क्योंकि एट द एंड जो आपकी मंजिल है जो मकसद है वो यही है कि आप अपनी टेक्निकल फील्ड में जाएं वहाँ फुल टाइम जॉब लें उसके बाद फिर आप यहाँ के पीआर लें और फिर आप जर्मन पासपोर्ट लें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। खैर ये तो बाद की बात होगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो जो मैंने देखा है फिलहाल मैं एक जर्मनी के छोटे से शहर इल्मनाउ में हूँ, जो मैंने यहाँ ट्रेंड देखा है या ओवरऑल देखा है वो ये है कि कोई भी जॉब्स जो जिनकी शिफ्ट नाइट टाइम हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन की नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो या किसी भी और जॉब में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम अमेज़ॉन की एग्जांपल लेते हैं तो अमेज़ॉन आपको वैसे पर आवर देता है डे टाइम की शिफ्ट में 14.10 यूरोस पर आवर, लेकिन अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो वो 30% इंक्रीमेंट के साथ आपको ऑलमोस्ट 17 यूरो पर आवर देता है, ठीक है। और वो जो फुल टाइम जो नाइट शिफ्ट होती है वो हॉबी होती है भी फुल टाइम है। उसके अलावा और जो जॉब्स हैं, यहाँ एक कंपनी है UST सेंसर टेस्टिंग कंपनी, वो आपको 13.50 यूरो पर आवर देती है। इसके अलावा डिलीवरी जॉब्स हैं कुछ, वो भी आपको अच्छा रेट देती हैं ऑलमोस्ट 15-16 यूरो पर आवर लाइक लेफ्रेंडो। अगर आप अपनी टेक्निकल फील्ड की जॉब करें तब आपको भी पे रेट अच्छा मिलता है लाइक 15+ यूरो पर आवर आपको रेट मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी का साइज़ क्या है, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर आप बड़े शहरों में हैं लाइक म्यूनिख या बर्लिन या ड्रेस्डन तब आपको पे रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है सेम जॉब के लिए जो आप छोटे शहर में कर रहे हो, लेकिन छोटे शहर में चूँकि एक्सपेंसिस कम होते हैं रेंट्स कम होते हैं सस्ते होते हैं तो इस वजह से आपको यहाँ पे रेट भी थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर आपको बड़े शहर में हैं, अगर आप का सेम एक्सपीरियंस लेवल है आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको जो पैसे मिलेंगे वो कम मिलेंगे और अगर सेम प्रोफाइल अगर लगन अगर आप बर्लिन में काम कर रहे हो तो तब ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसका फ़र्क यही है कि यहाँ पे आपके रेंट्स भी कम होंगे छोटे शहर में तो वहाँ बड़े शहर में आपके रेंट्स भी ज़्यादा होंगे एक्सपेंसिस भी ज़्यादा होंगे। कुछ अच्छी जो कंपनीज हैं IT की वो आपको 18-20 यूरोस पर आवर भी देती हैं, और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना कि फुल टाइम के लिए टोटल एक पैकेज होता है कि 50,000-60,000 पर एनम पर ईयर, तो वो एक टोटली अलग सीन है। इसके अलावा ड्राइवर्स की यहाँ काफ़ी अच्छी डिमांड है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल भी करवा लें लेकिन उसका खास इतना फ़ायदा नहीं है, वहाँ का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ आके 6 महीने 1 साल वो भी चल जाता है, और ड्राइविंग की भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं काफ़ी अच्छी पे है यहाँ ड्राइविंग की, और यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते करते भी आपके 1500-2000 यूरो लग जाते हैं लेकिन उसके बाद उसका फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यही कुछ जॉब्स थी जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जॉब्स की कोई किल्लत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि जर्मनी में जॉब्स नहीं है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बस बंदा कोई करने वाला हो तो हर अच्छे बंदा पैसे कमा लेता है, मतलब एटलीस्ट 13 यूरो पर आवर बंदा कमा सकता है उसके ऊपर, जिस तरह की आपकी जॉब होगी जिस तरह की आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया होगा वहाँ उस लिहाज से पैसे कमा सकते हो। और शहरों का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि बड़े शहर में ज़्यादा जॉब्स होती हैं ज़्यादा पैसे मिलते हैं लेकिन रेंट्स और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं और लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उसके लिहाज से ज़्यादा होती हैं, लेकिन छोटे शहर में खैर ये चीज़ें सारी कम होती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। तो यही आज की वीडियो थी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में करें। थैंक यू सो मच।